हेलो एवरीवन मैं अरविंद राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस रिवीजन लेक्चर सीरीज में जहां पे हम लोग पूरे पॉलिटी को एक पांच लेक्चर्स में पूरा का पूरा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो गाइस ये पॉलिटी का क्लास नंबर थ्री है जिसमें आज अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीखनी भी है और उनको फटाफट रिवाइज भी करना है तो जो मैं स्लाइड्स लेके आए उसमें थोड़ा मेन्स ओरिएटेड टॉपिक्स भी है बट आई जस्ट क्विकली स्किप मेन्स दोड टॉपिक्स और सीधा जो सिर्फ फिल्म के मुद्दे की जो बातें हैं वही जो है हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ में तो सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर मेंशन किया होगा कोई ना कोई एक आर्टिकल होगा कोई ना कोई एक प्रोविजन होगी जो इसको मेंशन करती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मीनिंग क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मीनिंग है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है तो अब दो जगह पे वो हो सकता है मतलब उसको क्रिएट दो दो जगह से किया जा सकता है एक जो है वो एक्ट है अगर उसको एक्ट से क्रिएट किया है ऐसे बॉडी को हम लोग स्टैचूटरी बॉडी बोलेंगे और अगर उसको एक्ट से नहीं एग्जीक्यूटिव ने अगर उसको क्रिएट किया है तो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि भाई दिस इज द बॉडी विच हैजिन क्रिएटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन सब लोगों को क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कैसे आप लोग जो वो डिफ्रेंशिएट करोगे और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको ध्यान रखना है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डज नॉट मीन दैट एवरी बॉडी इज अ स्टेच्यूटरी बॉडी रैदर इट कैन बी अ बॉडी विच हैज बिन क्रिएटेड थ्रू स्टैच्यूट और इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आर वी क्लियर विद दिस हेलो गाइस, ओके गुड सो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं प्लीज बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओके सबसे पहली हम लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की स्टडी करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में वैसे तो मैंने आप लोगों को मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में सिखाया है एक बार वापस से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री ट्वेंटी फोर इनसे डील करता है जो कि आपके इलेक्शन uh, कमीशन बनाता है जो कि आपका इलेक्शन नॉट ओनली पार्लियामेंट बट ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन कंडक्ट करने का काम अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेजिडेंट का एंड वाइस प्रेजिडेंट का भी इलेक्शन कंडक्ट करने का काम जो वो करता है इट मस्ट बी नोटेड हियर कि इलेक्शन जो आपके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के या फिर अर्बन लोकल बॉडी के जो होते हैं दैट आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो काम नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बॉडी देखें तो इट इज अ थ्री मेंबर बॉडी ठीक है तो एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी जो है वो दो आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि जस्ट बिकॉज ही इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट मीन कि ही हैज सर्टेन समथिंग यू नो एडिशनल राइट उसको कुछ मिले हुए हैं या एक्स्ट्रा पावर जो उसको मिली हुई है तो एक्चुअली जब भी इलेक्शन कमीशन में कोई भी डिसीजन आपकी ली जाती है तो इट इज ऑलवेज टेकन बाय द मेजोरिटी मीन्स वॉट इफ श्री सुशील चंद्र एंड राजीव कुमार आर यू नो सेइंग समथिंग और उस पर अगर इन दोनों ने अपनी मेजॉरिटी अगर बना ली है तो भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके अगेंस्ट में है बट स्टिल विल बी इम्प्लीमेंटेड तो इस चीज को आप लोग याद रखना कि दो तीनों भी डिसीजन के मामले में इक्वल है सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ा सा सिक्योरिटी ऑफ टेन जो है वो ज्यादा मिला हुआ है ठीक है तो ये वाली बात बस अपने को ध्यान में रखनी है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर सुपर एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन से डील करता है थ्री ट्वेंटी फाइव नो पर्सन शुड बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन ओके इन द स्पेशल और इलेक्टोरल रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी कंडक्टेड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दैट इज आर्टिकल नंबर थ्री ट्वेंटी सिक्स पॉवर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर पावर ऑफ लेजिचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन एंड नॉट टू फर्गेट बार ऑन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल आई ऑलरेडी डिस्क्राइब यू एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसको एकदम सब कुछ जो है वो फिक्स टर्म वगैरह आप लोगों का मिलता है और प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो उसका टर्म जो है फिक्स अगर आपको ऊपर नीचे कुछ करना है तो आपका किया जा सकता है बट यूजली हम लोग अगर देखें तो इनको द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के हिसाब से इनको जो है वो टर्म जो है वो आपका स्पेसिफाई किया हुआ है तो आप बोलोगे सर इनको टर्म जो है आप जो बोलते हो कि किस का ए, तक का टर्म एज वेल एज सिक्स तक का जो टर्म मिलता है तो वो है इज इट मेन्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंसर इज नो इट इज मेन्शन इन इट इज मेन्शन इन योर द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस इलेक्शन कमिश्नर्स एंड

कि जब हम लोगों ने सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हुई थी जिससे हमने एज को ट्वेंटी वन से एटीन पे जब हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया था तो उस समय में अपने को दो इलेक्शन कमिश्नर्स की जरूरत पड़ी थी बट बात क्या है ये दो इलेक्शन कमिश्नर्स जो आपके लाए थे इनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्यर नहीं है तो जब इनको निकालना होता है तो उनको निकालते समय में प्रेजिडेंट जो है वो सिर्फ क्या करता है सिर्फ आपके इलेक्शन कमिश्नर जो है खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उससे पूछता है कि निकाल दे क्या अगर उसने बोला हाँ निकाल दो तो फिर प्रेसिडेंट बिंदास निकाल सकता है तो जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला है आपके इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है इनफैक्ट देर है इनको भी uh, एक फुल टाइम जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो इनको भी अब दे देना चाहिए ठीक है देर आफ्टर इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज अ मल्टी मेंबर बॉडी लेकिन जब आपका हो गया तो इन दो इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट को हटा दिया गया था ठीक है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद में क्या हुआ 1993 में जब टीएन सेशन जो है जब एकदम पूरा अपना आ, क्या बोलते हैं नाम अपना पूरा एक छत्र शासन जब जब कर रहे था और उस समय में जब उन्होंने जितने भी माल प्रैक्टिस थोड़ा सा क्रैकडाउन जब किया था तो गवर्नमेंट उनसे त्रस्त हो गई और उन्होंने दो चिले फी इलेक्शन कमिश्नर और इस्टेब्लिश कर दिया और तब से आज तक हम लोग जो है तीन के तीन देखते रहते हैं उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था

किसी और जगह पे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं उससे हम लोग उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है बट इनका ऐसा कुछ नहीं है रिटायरमेंट के बाद में भी इन लोग काम कर सकते हैं बाकी पावर्स एंड फंक्शन सबको ही पता है कि क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिव है एडवाइजरी है और क्वासी जुडिशियल है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पूरे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री डिलिमिटेशन कमीशन के अंडर में कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह जो बनाते रहना इलेक्ट्रल रोल रिवाइज करते रहो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकोगनाइज करो उनके कोई इश्यूज है तो वो आप सॉल्व करके लो ठीक है उसके बाद में आपके डिस्प्यूट सेटल करके लो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है तो अपॉइंट करो डिटरमिन द कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा वगैरह वगैरह तो ये इनके पावर्स एंड फंक्शन है उसके अलावा अगेन आपका पब्लिसिटी किसको कितना क्या मिलेगा प्रेसिडेंट अगर और आपका डिसक्वालिफिकेशन अगर आपके किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है तो उस समय में जब आपका प्रेसिडेंट आपसे एडवाइस मांगता है तो वो सब आपको देना है पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर वगैरह करना है सुपरवाइज द मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो क्वाइट लॉजिकल ऑल द फंक्शन जो है वो इनके होते हैं और इनको हेल्प करने के लिए आपके सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ये सब भी आप लोगों के अपॉइंट किए जा सकते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो आपके आगे भी तो आपके स्टेट के सॉरी स्टेट में भी आप लोगों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वगैरह जब अपॉइंट करना होता है तो वो भी आपका इलेक्शन कमिश्नर वगैरह जब अपॉइंट कर सकता है विजन मिशन प्रिंसिपल आपके किसी काम के नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिलिम्स के ये अगर आपको यूज ही करना है तो मेंस में यूज कीजिएगा ठीक है बाकी इंपॉर्टेंस तो क्या है 1952 से अब तक इलेक्शन वही कंडक्ट कर रहा है रिसेंट ईयर में कमीशन जो है उन्होंने और ज्यादा एक्टिव रोल जो है प्ले करना शुरू किया है इनफैक्ट अभी की न्यूज में अगर हम जाए तो इन्होंने बोला है कि हम लोग जो है वो एक यू नो क्रिप्टो जो आपका ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या वोटिंग वगैरह के लिए तो ये सब रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करना डेमोक्रेसी को और जो है वो स्ट्रेंदन करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज दिए हुए हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इम्पार्शलिटी इक्विटी ये सब वैल्यूज को अपहोल्ड करना इन सब में इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं काम जो है वो जरूर किया हुआ है मेजर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो अगेन ये थोड़ा सा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि एक बात तो जो हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्य नहीं है उनको कभी भी निकाला जा सकता है सिर्फ आपको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की परमिशन लगती है उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को ठीक से हैंडल करने की उनके पास में अभी भी पावर नहीं है जैसे किसी को डी रजिस्टर करना ईवीएम माल फंक्शनिंग के इश्यूज उनके चलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंसी के कुछ इश्यूज है और सबसे इंपॉर्टेंट इनके जो एक्सपेंडिचर है दे आर नॉट चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रादर दे आर मेड अपॉन और मेड अपॉन होने की वजह से आर सब्जेक्ट टू द वोटिंग ऑफ पार्लियामेंट और इन लोगों को जितना पैसा चाहिए उसके लिए उन लोगों को रिलाय करना पड़ता है गवर्नमेंट पे सो दैट इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवरीबडी क्लियर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यस टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ठीक है नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज यूपीएससी और

और याद रखना जेपीएससी जो है वो एक बॉडी होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी लेकिन जेपीएससी विल ऑलवेज बी अ बॉडी मतलब किसी स्टैच्यूट से आपको क्रिएट किया हुआ है तो रिक्रूटिंग एजेंसी है मेजर रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो आपकी यूपीएससी है तो ये देखो ये तीन से लेकर के तीन तक के आपके आर्टिकल्स हैं कॉम्पोजिशन तो कॉम्पोजिशन में आप लोगों का यूपीएससी का एक चेयरपर्सन होगा और उसके अलावा आप लोगों के नॉट मोर देन नाइन टू इलेवन से ज्यादा आपके और मेंबर्स नहीं होंगे तो इतना ही आपको स्ट्रेंथ जो वो रखने के लिए बोला हुआ है तो यूपीएससी में चेयरमैन है जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ आपका याद रखना इसमें कि कोई स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई की क्या आंसर इज नो ठीक है तो इसका इवन आपका क्वालिफिकेशन वगैरह भी इन लोगों ने ठीक से नहीं बताया कि क्या क्वालिफिकेशन है सिर्फ एक क्वालिफिकेशन इन लोगों ने बोला है कि जो भी आपके मेंबर्स होंगे उसमें से मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको एटलीस्ट दस साल में दस साल का इधर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बस इतना ही क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है और नाइन टू इलेवन के इसमें होते हैं तो कितने होंगे मेंबर्स नहीं स्पेसिफाई किया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेंबर्स रहते हैं अभी जो है वो है प्रोफेसर और डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ही इज द चेयरपर्सन ऑफ इ

अभी के ये आपके मेंबर्स है तो एक चेयरमैन है उसके अलावा एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ तो ये आपके टोटल जो है अभी दस है। तो said, 9 11 हो सकते हैं, तो अभी इन लोगों ने बराबर बीच के दस मेंबर्स जो वो रखे हुए हैं और ये जानना क्यों जरूरी होता है बिकॉज आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इनमें से किसी ना किसी पैनल में आप लोगों का आएगा तो अब देखो उन्नीस दो को ये रिटायर भी हो रहा है ठीक है तो मे बी ये थोड़ा सा आपका चेंज हो जाए बट जब अगर आपका इंटरव्यू हो तो इनमें से किसी न किसी पैनल के सामने आपको जरूर जाना पड़ेगा रिमूवल कैसा होता है रिमूवल जो है वो इसका अलग तरीके का है याद रखना इसका इलेक्शन कमीशन का है कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे होता है लेकिन यूपीएससी के मेंबर या फिर यूपीएससी के चेयरपर्सन का अगर तुमको रिमूवल करना है तो कैसे करेंगे इफ ही इज एडज इंसॉल्वेंट एडज इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि भाई जिसने दिवालिया निकाल दिया है कि अपना पूरा बैंक हो गया है बिजनेस ही खत्म कर दिया पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं बची हुई है और अगर वो तुमको कोर्ट में अगर प्रूव किया है तो यू विल बी एड जज इन्व या फिर अगर अपने टाइम में ही ओके okay, तुम अगर एज अ यूपीएससी के मेंबर के तौर पे काम कर रहे हो बट कहीं पे सिखाने के लिए जा रहे हो तो फिर क्या हुआ पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर जाते हो कहीं पे तो आप लोगों को निकाल सकते हैं और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अनफिट है काम करने के लिए तो आपका प्रेसिडेंट निकाल सकता है तो यहां पे प्रेसिडेंट को किसी से पूछने की जरूरत है क्या इन इन तीन कंडीशंस के लिए दैट एंगेजेस द ऑफिस यू नो कहीं पे तो पेड एम्प्लॉयमेंट है या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अनफिट है तो आंसर इज नो इन सब कंटेक्सट में तुमको प्रेसिडेंट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट सेफेक्शन इज फाइनल इन एडिशन टू दिस मतलब ये तीन क्राइटेरिया तो है ही अगर यहां पे प्रूव करते हैं कि भाई मिस बिहेवियर हुआ है तो मिस बिहेवियर क्या है डिफाइन नहीं किया है बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो वाली इंक्वायरी कंडक्ट की है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपहोल्ड किया है तो उसको रिमूव किया जा सकता है सिर्फ मिस बिहेवियर के कंटेक्सट में तुमको सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी ये तीन कंडीशन में आपको सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी सबको क्लियर एंड आई एम सॉरी आई सेड मिस बिहेवियर है but misbehavior has been defined misbehavior means if he is concerned or interested in any contract or agreement made by the government of india ya fir participates in any way in the profit of such contract or agreement jahan pe aap logo ka ye member and common to other company or incorporated company matlab मतलब, monetary issues हैं कि अगर आप लोग किसी contract में वगैरह अगर इन्वॉल्व हो जाते हो तो उसको हम misbehavior बोलेंगे और ये मिस बिहेवियर के कंटेक्ट में सुप्रीम कोर्ट से तुमको प्रूफ लेना होगा इंक्वायरी फाइनल जब हो जाएगी तभी आप निकाल सकते हो लेकिन इन कंटेक्स में तुमको किसी के पास में भी जाने की जरूरत नहीं प्रेसिडेंट का डिसीजन जो हो, है वो फाइनल होगा ठीक है सो दिस इज हाउ रिमूवल इज डन तो अपॉइंटमेंट हो गया रिमूवल हो गया उसके बाद में इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया हुआ है इंडिपेंडेंस है कि भाई आपका चेयरमैन और मेंबर जो है तो कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय यू नो प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बोले हुआ है तो थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी ऑफ जो वो दिया हुआ है कंडीशन सर्विस आपके चेंज नहीं किया जा सकते हैं एक्सपेंडिचर देखो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड है एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट और जो आपके मेंबर होते हैं वो आप लोगों के ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है कि या तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हो लेकिन बाद में कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कोई जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगी सबको क्लियर कैसे आप लोग इंडिपेंडेंस मेंटेन कर रहे हो बट हमने अब भी इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं तो आर दे दे एलिजिबल एलिजिबल फॉर फॉर आर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट आंसर इज यस कि गवर्नमेंट के अंडर में उनको अपॉइंटमेंट मिल सकती है लेकिन इनको वापस से नहीं मिलती है दिस इज हाउ वी आर एंश्योरिंग की इनका इंडिपेंडेंस जो मेंटेन रहे फंक्शन क्या है वही है कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है ऑल इंडिया सर्विसेज का उसके अलावा स्टेट को भी अगर टाइम टू टाइम जो है अगर जॉइंट रिक्रूटमेंट वगैरह करनी है या और कोई चीज के अंडर में क्वालिफिकेशन डिटरमिन करना है तो हो सकता है प्रेसिडेंट ने अगर और कोई काम किया है कि गवर्नर के अप्रूवल पे या गवर्नर ने अगर इसको कोई रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे आप लोग जो है कुछ काम अगर करना है तो वो कर सकते हो अगेन अगर कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स वगैरह है तो उसमें भी कंसल्ट किया जाता है अगर किसी पर्सन पे मतलब यूपीएससी के थ्रू जिसको रिक्रूट किया हुआ है और उसके ऊपर में अगर कोई इंक्वायरी वगैरह अगर करनी है तो उस कंटेक्सट में यूपीएससी को हमेशा ही जो है वो आपका आ, मतलब कंसल्ट किया जाता है ओके फिर ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पोस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रमोशन इन सब कंटेक्स्ट में आपका इनको कंसल्ट हमेशा ही करते हैं फंक्शन क्या है फंक्शन बहुत सारे हैं कि डिसिप्लिनरी मैटर्स जिसमें से अगर किसी का यू नो डिसअप्रूवल करना है विध होल्डिंग इनक्रीमेंट प्रमोशन ये सब करना है तो इन सब मामलों में आप लोगों का यूपीएससी जो है वो थोड़ा सा दखल देता है अगर समझो तुमने गवर्नमेंट के मतलब एज अ ऑफिशियल ड्यूटी अगर आप कोई काम कर रहे थे और आपके अगेंस्ट में अगर कोई केस शुरू होता है तो उसमें आपको डिफेंड वगैरह करने के लिए भी आपको हेल्प जो है वो करके देता है फिर मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज या फिर मैटर रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट इन सब में आपका कौन काम करता है यूपीएससी जो है वो आपकी हेल्प करता है सो दिस इज अबाउट द यूपीएससी अब याद रखना सस्पेंशन और डिसमिसल और रिमूवल इन तीन चीजों में फर्क होता है क्या फर्क होता है तो देखो सस्पेंशन मतलब क्या होता है कि आपको टेम्परिली जो है वो ऑफिस से बाहर जो वो निकाल दिया जाता है कि ठीक है थोड़े से दिन के लिए तुझे सस्पेंड किया है बाद में वापस आ जाता है डिसमिसल क्या होता है डिसमिसल मतलब कि तुमको डिसक्वालिफाई कर दिया गया है. देखो रिमूवल अलग चीज है रिमूवल में आप लोगों को क्या करते हैं दोनों में भी आपका सर्विस जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं डिसमिसल एज वेल एज रिमूवल में बट जब आपको डिसमिस करते हैं तो सिर्फ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होता है मतलब अगली बार अगर आपको कहीं अपॉइंट करना है तो आपको कर सॉरी जब आपको रिमूव करते हैं तो फिर आप लोगों को अगली बार अगर कोई फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अगर देनी है तो गवर्नमेंट दे सकती है तुमको बट अगर डिसमिस किया है सर्विस से तो तुमको वापस से फ्यूचर में कभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी

Uh, आप देख रहे हो दो चीजें हैं रिमूव किया है डिसमिस किया है तो समझो यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया तो आप कोई एकदम ऑफ राइट आप लोग वहां पे जाके बात नहीं कर सकते हो तो दिस इज अबाउट द यूपीएससी एंड यूपीएससी के सारे के सारे फंक्शन लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन है कि भाई तुम सारे वाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस इनको कंसल्ट ही नहीं किया जाता है या फिर अगेन वाइल टेकिंग इन टू देशन क्लेम्स ऑफ एस सी एस टी मेकिंग अपॉइंटमेंट डी सर्विस नहीं, ग्रुप ग्रुप सी में नो कंसल्टेशन विद रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ टेम्पररी और ऑफिशियटिंग पर्सन उसमें भी कंसल्ट नहीं किया जाता है तो ये थोड़ी से लिमिटेशन है और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ही कैन ऑल्सो एक्सक्लूड एनी पोस्ट सर्विस और एंड मैटर फ्रॉम द परव्यू ऑफ द यूपीएससी ये थोड़ा सा इनका जो है वो प्रॉब्लम uh, है

कमीशन तो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा इसकी पावर जो है वो डाइल्यूट की हुई है अभी हम लोग सीवीसी के बारे में भी डिटेल में वैसे भी देखने वाले हैं अब हम लोग आते हैं एस के बारे में तो जैसा यूनियन लेवल पर आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो यूपीएससी है वैसे ही स्टेट लेवल पर जो है वो आपका एसपीएससी होते हैं तो अलग अलग हैं उड़ीसा का उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा महाराष्ट्र का एमपीएससी हो जाएगा इधर राजस्थान का लो, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो जाएगा ऐसे तो आपके अलग अलग होते हैं लेकिन अगेन मैंने बताया आपको 315 से 323 में ही ये भी आपकी डील करते हैं ऑलमोस्ट इनका भी सेम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी इनकी स्ट्रेंथ वगैरह स्पेसिफाई नहीं की हुई है और ना ही क्वालिफिकेशन बताया सिर्फ क्वालिफिकेशन इतना बताया कि भाई दस अः दस साल का जो है उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए हाफ ऑफ द को तो बस इतना ही आपका एक क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ओके okay? और इधर में भी इधर में आप लोगों को ध्यान देना है कि जस्ट लाइक like high, court. high Court के जो आपके जजेस होते हैं उन लोग कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं 62. वैसे ही यहाँ के भी जो मेम्बर्स है वो 62 टू के एज तक ऑफिस को होल्ड करते हैं सबको क्लियर ठीक है तो इनका सिक्स इंड सिक्सटी 62 है तो ये वाला चीज जो है नोट करो देखो मैं जब रेड में किसी चीज को लिखता हूँ, तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो अगर आप लक्ष्मीकांत सामने लेके बैठे हो तो वहां पर इसको फट से हाईलाइट कर देना एवरीबडी आर वी क्लियर दे कैन रिलिंक्विश देर ऑफिस एट एनी टाइम बायसिंग अगर किसी को चेयरमैन बनाना है तो गवर्नर आपका बना सकता है तो मेजरली इसमें गवर्नर ही आपका डील करता है तो याद रखना इसमें यू नो पहली बात तो स्ट्रेंथ आपकी बोली नहीं कि कितनी होनी चाहिए तो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन होता है हर एक स्टेट में अलग अलग आपके मतलब कुछ नंबर ऑफ जो आपके अलग में uh, वो अलग होता है सिर्फ रिमूवल के समय में पूरा का पूरा आप देखो रिमूवल में इनका जो रिमूवल होता है वो गवर्नर नहीं करता है। तो कौन करता है रिमूवल इनका एस का चाहे चेयरमैन हो या कोई भी मेंबर हो उसका अगर रिमूवल करना है तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज प्रेसिडेंट एंड सेम वही कि एडजज जज इन बैंक या फिर इंगेजेस इन एनी यू नो एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज वगैरह वगैरह या फिर अगर वो मिसफिट है या अनफिट है तो या अनसाउंड माइंड का है तो उस समय में उसको निकाल सकते हैं प्रेसिडेंट पे कोई सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछना पड़ेगा लेकिन अगर तुम मिसबिहेवियर के नाम पे उसको निकाल रहे हो और होर क्या है कि अगर तुम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कोई प्रॉफिट में या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड हो तो उधर में तुमको मिसबिहेवियर सुप्रीम कोर्ट अगर प्रूव करे तो तुमको निकाल सकते हैं तो याद रखना भले ही अपॉइंटमेंट एमपीएससी के या बाकी के आपके स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट आपका गवर्नर करे लेकिन उसका रिमूवल कौन करता है रिमूवल उसका प्रेसिडेंट करता है 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 और दूसरी बात इनको मैक्सिमम 62 के एज तक का तक का का ही लिमिट मिला हुआ 65 नहीं है। तो ये है, बाकी इंडिपेंडेंस फंक्शन लिमिटेशन एंड रोल ऑलमोस्ट सेम है यूपीएससी जैसे तो इसलिए हम लोग अगर वो वाला पार्ट स्किप भी कर जाए तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है अगला जो पार्ट देखना है अपने को वो है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस क्या होता है? भाई पंजाब और को आपने अलग अलग किया है ठीक है बट अभी भी इनका थोड़ा सा मैनेज तो लेकिन ये जब बनाना होता है तो उसको कौन बनाता है इट इज द प्रेसिडेंट ओके तो ज्वाइंट ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर टू तो और मोर स्टेट जो है वो उसकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है बट वाइल यूपीएससी एंड क्रिएटेड डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन जेएसपीसी को पार्लियामेंट के एक्ट से आप लोगों को बनाना पड़ता है ठीक है और फिर जेएसपीसी था और चेयरमैन इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ये देखो इन लोग भी 62 के एज तक ही उन लोग जो है ऑफिस होल्ड करते हैं तो ये एक डिटेल जो है वो याद रखना बाकी नंबर और सर्विस कंडीशन वगैरह जो है वो सब तुम्हारा प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा और इनकी जो भी

नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है पॉलिटिकल मोनोपोली हो जाती है बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है वही आपके यूपीएससी के सारे मेंबर्स को अपॉइंट करती है तो वहां पे कहीं पर भी तुम्हारे पास में ऐसा नहीं कि भाई ओपोजिशन वगैरह को भी कंसल्ट कर लिया जाए रोल रिकमेंडेटरी है ठीक है और सी जब से आया है तो और इनके पावर जब वो कम हो गए हैं ठीक है थीके? और स्टेट यूपीएससी जो है वो क्या करती है वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला अप्रोच यूज करती है साइकोलॉजिकल प्रोफाइल जो है वो एनालाइज नहीं करते हैं ये सब प्रॉब्लम्स है आप लोगों के और स्टेट में भी आप लोग क्या देखोगे जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते रहते हैं उसमें आप लोग करप्शन देखोगे क्वालिटी एकदम बुरी है ज्यादा ज्यादा उन लोग क्या करते हैं यूपीएससी को बस कॉपी करते रहता है तो ये सब जो है वो आपके प्रॉब्लम्स है तो एआरसी ने एज वेल एज मल्टीपल कमिटीज ने आपके कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो बेटर होगा ठीक है कि टू थर्ड मेंबर जो है यूपीएससी के वो होने चाहिए जो एस के रिटायर्ड लोग हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है ये हम लोग मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बॉडी पर जो कि है आपकी फाइनेंस तो गाइज इतना सबको समझा है yes, सही है पक्का ओके okay, गुड तो नेक्स्ट अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो अपने को देखनी है वो है फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280 और ये फिजिकल व्हील जो है उसको बैलेंस करने का मेजरली का काम कर रहा है एवरी फिफ्थ ईयर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट इसके सारे मेंबर कौन अपॉइंट करेगा अगेन प्रेसिडेंट करेगा ठीक है तो कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो चेयरमैन एंड फोर अदर मेंबर्स आपके होते हैं ओके okay? और दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन इज ऑर्डर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंगली इनके क्वालिफिकेशन के लिए एक लॉ भी बनाया गया था तो पार्लियामेंट है स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन तो ये देखो ये एकदम रट लो पूरा ठीक है कि आपका जो चेयरमैन होगा सो तो इधर देखो ये कि चेयरमैन जो है वो वो कौन होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस है ठीक है दिमाग में इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि चेयरमैन को पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होगा दूसरा जो मेंबर होगा अ जज ऑफ हाई कोर्ट और दूसरा है वो एक जज ऑफ कोर्ट हो या फिर जो जज ऑफ कोर्ट बनने की काबिलियत रखता हो वो तीसरा मेंसन स्पेश चौथा पर्सन अ पर्सन हुईड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट पर्सन जो है वो है आपका स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये आपका क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है क्या नो no. इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और लॉ के हिसाब से आप लोगों के ये पांच क्वालिफिकेशंस है कि चेयरमैन का मेनली याद रखो पब्लिक अफेयर बाकी एक हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जज के जैसा या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट वाला फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला एंड स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स वाला तो ऐसे पांच मेंबर आपके अपॉइंट किए जाते हैं अभी का फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन अगर हम देखें तो उसमें आपको चेयरमैन श्री एन के सिंह थे और बाकी ये सब आप लोगों के मेंबर्स थे अलग अलग ठीक है इनका फंक्शन क्या है तो फंक्शन मैंने आपको पहले भी सिखाया था फाइनेंस कमीशन का मेजरली काम यही है कि आप जो है वो नेट प्रोसीड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो नेट प्रोसीड क्या होता है कि जितना भी पैसा आपके पास में आया है समझो एक करोड़ रुपए अगर आए हैं और उसको कलेक्ट करने में अगर दस करोड़ रुपए तुमने लगाए हैं तो दैट तो इज नेट प्रोसीड तो और इसमें से आपका हंड्रेड करोड़ जो होगा वो नेट प्रोसीड होगा तो इन नोट प्रोसीड का आपका हॉरिजोंटल एज वेल एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका ये करेगा देन ग्रांट 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 इन 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 एड 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 देने होते हैं तो ये भी कौन देगा जो है वो आपका अगेन फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है कि किसको कितना ग्रांट दिया जाए फिर ऐसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है कि म्यूनिस्पालिटी के और पंचायत के जो रिसोर्सेस है उसको ऑगमेंट करने के लिए एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट और अगर कोई फंक्शन अगर इनको दिया हुआ है साउंड फाइनेंस के लिए तो वो आप लोगों का फाइनेंस कमीशन का काम है एवरीबडी क्लियर ये चार फंक्शन इसको दिए हैं 1960 तक थोड़े से स्पेशल कुछ आप लोगों के जो यू नो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए तुमको जो पैसा दिया जाता था जूट प्रोडक्ट्स के लिए तो बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल 1960 तक ये भी रिकमेंड किया जाता है बट अब तो वो छोड़ दिया गया है बाकी जो भी रोल है वो एडवाइजरी रोल है कि मैंने आपको बताया कि इट इज बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया ओके और आ, दो इसका रोल जो वो है वो एडवाइजरी है बट अगर समझो और ये अपनी रिपोर्ट भी जो है पार्लियामेंट में इसकी रखी जाती है बाद में अगर इसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट को रीज़न देने पड़ते हैं कि भाई क्यों हम लोग इसके रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए आपके फॉर्मर कुछ जो फाइनेंस कमीशन के जो हेड रहे हुए हैं उनका बोलना है कि देखो इट इज नो वेयर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिकमेंडेशन शैल बी बाइंडिंग बट ये भी चीज़ याद रखो कि इट वुड गिव राइज टू लीगल राइट इन द फेवर ऑफ द बेनिफिशरी स्टेट क्योंकि आखिर में ये भी एक क्वासी जुडिशल बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों है क्वासी जुडिशियल बॉडी क्योंकि उसमें जजेस भी आ रहे हैं और क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी आपका परफॉर्म कर रहा है तो इसलिए इसके रिकमेंडेशन जो है तो इट शुड नॉट बी टर्नड डाउन दिस इज वॉट यू नो मल्टीपल पीपल हैव मल्टीपल टाइम स्टेटेड अभी अगर करंट न्यूज़ भी अगर हम थोड़ी सी देखें तो आप फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन की सुनी रहे होंगे कि नवंबर ट्वेंटी में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की है आई थिंक ये पॉलिटी के करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को कवर भी करवाया हुआ है ठीक है तो इसके और डिटेल जो है वो

एडोप्शन ऑफ डीबी टी करे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बताओ इस पे बताओ, इस पे, बताओ इस पे बताओ तो उसको हम लोग टी ओ आर बोलते हैं ओके okay? और आई थिंक आप लोगों को मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि फोर्टीन फाइनेंस कमीशन ने क्या क्राइटेरियाज यूज किए थे और फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने क्या क्राइटेरियाज यूज किए थे सबको याद है ना कमन गाइज ये सब हमने देखा था देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इनकम डिस्टेंस फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये सब हमने करंट अफेयर्स में किया है ना ये yes, गुड तो आई कैन जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट उंसिल में इतने सब लोग जो आते हैं और इनकी जी एस टी काउंसिल की अलग अलग टाइम पे जो है मीटिंग होते रहती है और ये जी एस टी काउंसिल बेसिकली आप लोगों का जी एस टी के जो रेट्स वगैरह हैं वो आपके डिसाइड करते रहती है तो इसकी काउंसिल जो वो इस्टेब्लिश की हुई थी तो आप सबको पता है कि दो टाइप के आपके टैक्स होते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब पे आप पता कर सकते हो।, हो गया या फिर आप लोगों का हो गया। so हो गया। में आपके पहले वो वैट होता था उसके बाद में आप लोगों का एंटरटेनमेंट टैक्स है ये टैक्स है वो टैक्स है तो मल्टीपल टैक्सेस होते थे तो बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस को हमने मर्ज करके फाइनली क्या किया एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ये जीएसटी जो है वो आपका आ गया है और इसी के साथ में पहले मैंने आपको हमेशा सिखाया कि आपके लॉ मेकिंग के हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो ये आपके कंकरेंट लिस्ट इसमें आ सकता है या इसमें भी आपकी कंकरेंट लिस्ट आ सकती है बट वेन इट कम्स टू टैक्स देर वॉज नो कंकरेंट लिस्ट ओके टिल द डेट ऑफ टू इट ओनली उजटीन में जहां पे जीएसटी बिकेम थिंग विच बेसिकली वेंट इन टू देंट लिस्ट तो कनकरेंट पावर अब जो है वो यूनियन एज वेल एज स्टेट को मिलती है जीएसटी के कंटेक्स में तो इसीलिए उस मतलब अब उनकी एक पावर को हैंडल करने के लिए जो बॉडी तो होनी चाहिए ना जो बेसिकली ये सब चीजें मैनेज करेगी तो इसके लिए तुम्हारी जो काउंसिल बनाई है उसका नाम है जी ओके okay? जो कि आर्टिकल नंबर टू थर्टी नाइन ए के अंडर में हम लोगों ने बनाई हुई है तो सॉरी ए नहीं तो चेयरपर्सन जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा और मेंबर्स कौन होते हैं तो मेम्बर्स में तुम्हारे जितने भी तुम्हारे स्टेट्स हैं उन सब स्टेट के तुम्हारे फाइनेंस मिनिस्टर्स तो ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन फॉर ईच स्टेट प्लस तुम्हारे जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है तो यूनियन का जो अनुराग ठाकुर है इवन वो भी इसका मेंबर होगा तो यूनियन एफएम उसका चेयर पर्सन और ये उसका ये होगा और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इन लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई किसी चीज का रेट कम करना है किसी जैसे अभी एजुकेशन पे आप सबको पता है एटीन परसेंट जीएसटी लगता है उसको कल कर को 12 परसेंट अगर करना है तो वो कौन करेगा इट विल बी डन बाय जीएसटी और ये जीएसटी में कौन है ये जीएसटी में आपके फाइनेंस मिनिस्टर तो याद रखना पार्लियामेंट नहीं करता उसको ना ही सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करता है इट इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन लोग सब आते हैं बाकी यूनियन कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम्स तो भाई ऑब्वियसली जो आपका चेयरपर्सन होता है सेंट्रल बोर्ड एंड एक्साइज क्योंकि वही तो आपका इनडायरेक्ट एक्सेस से डील करता है तो उसको भी बुलाते हैं बट नॉन वोटिंग पावर होती है उसके पास में वोटिंग पावर सिर्फ इनके पास में होती है और वाइस चेयरमैन जो है वो इनमें से एक आधे किसी मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट से आता है उसको आप लोग बना देते हो कोरम अगर मीटिंग आपको कंडक्ट करनी है तो एटलीस्ट फिफ्टी तुम्हारे मेम्बर जो वहां पर चाहिए फिर एवरी स्टेट और इसमें अब याद रखना स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब यूनियन टेरिटरी विध स्टेट तो टोटल अगर हम लोग तो अट्ठाइस और तीन अपने पास में तो so, कितने हो गया? 28, 30, 31, 32 और 33. 33 आपके हो जाते हैं और इन 33 मेंबर में से फिफ्टी परसेंट तो भी मेंबर आपके प्रेजेंट चाहिए अगर आपको कोरम लेना है तो मतलब आप लोगों को हम लोग रफली बोल सकते हैं सत्रह मेंबर आपके हमेशा चाहिए और वोटिंग जो है वो आपकी डिवाइडेड है वोटिंग कैसे है कि यूनियन जो है उसको क्योंकि यूनियन में कौन है सिर्फ दो ही तो लोग आ रहे हैं आपका एक फाइनेंस मिनिस्टर है और एक आपका है. बाकी तो ये तो दो लेस देन सेवेंटी जो भी डिसीजन लेनी है मेजोरिटी से आप लोग है आपको जीएसटी तो आपको क्या करना पड़ेगा ये वाली मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट तो भी एटलीस्ट मिनिमम तुमको वोटिंग चाहिए और दूसरी बात वेटेड वोटिंग असाइन की है कि भाई वन थर्ड वेटेज जो है वो तुम्हारे यूनियन को दिया है और टू थर्ड वेट जो है वो तुम्हारे स्टेट को दिया हुआ है तो ऐसे तुम्हारी जीएसटी काउंसिल जो बनी हुई है और जीएसटी काउंसिल आपके ये सब लॉज है रूल्स है रेट्स हैं ये सब बनाने का काम उन लोग ही करते हैं तो इनफैक्ट फंक्शन अगर हम लोग देखें तो यही है टैक्स है सरचार्ज लगाना है नहीं लगाना है गुड्स एंड सर्विस जो है जिसको हम लोग जीएसटी में से एग्जाम कर सकते हैं मॉडल जीएसटी लॉ बनाओ और कोई थ्रेश लिमिट वगैरह बनानी क्या जिसके नीचे आपको एग्जेप्ट किया जा सकता है जीएसटी में से और कोई रेट बनाना है क्या फ्लोर रेट वगैरह एनी एनी स्पेशल रेट आपका बनाना है क्या स्पेशल प्रोविजन और कोई आपको लेनी है क्या मतलब इन सब स्टेट के कंटेक्सट में या फिर कल को जैसे आज आप अगर देखो एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया या फिर अल्कोहल वगैरह हो गया ये सब अभी जीएसटी के परव्यू के बाहर है तो किस दिन जो है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये अभी तक जीएसटी के अंडर नहीं है बट कब उसको जीएसटी के अंडर लिया जाए ये भी आपका जीएसटी का काउंसिल फ्यूचर में कभी ना कभी तो डिसाइड करेगा फिर अगर दो स्टेट के बीच के अगर इश्यूज है तो उसको सॉल्व करो और भी अगर आप लोगों का पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ वगैरह तुमको कोई काम वगैरह दिया है तो वो सब तुम जो है वो कर सकते हो कंपनसेशन वगैरह देना तो ये सब जो है वो जीएसटी काउंसिल का मेजर मेजर काम है और ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया था हंड्रेड एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू थाउजेंड एंड जब से हमने जीएसटी इंप्लीमेंट करना शुरू किया थ्रू आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए और ये इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड कहां है न्यू दिल्ली में है सबको जीएसटी काउंसिल क्लियर ओके नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपको सीखनी है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऐसे ही एक और बॉडी होगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ओके और तीसरी जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सो सिंस वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स में कवर की है सो दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस हियर बट यस वी आर गोइंग टू कवर दीज टू बॉडीज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल नंबर थ्री है ठीक है तो इसकी कहानी क्या है कहानी यह है कि भाई अगर हम ओरिजिनल थ्री थर्टी एट आर्टिकल अगर पढ़े तो उसमें क्या था उसमें सिर्फ आपको एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए बोला हुआ था आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इश्यूज देखने के लिए बट ओवर दीरियड नाइनटीन सेवनटी एट में आपका एक नॉन स्टैचुटरी मेंबर कमीशन जो है वो बना दिया गया गवर्नमेंट द्वारा थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोलूशन ऑब्वियसली और नाइनटीन एटी सेवन में एक एक्ट के थ्रू इसको स्टैचुटरी बॉडी जो हो नहीं एक अगेन आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसको एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है वो बना दिया गया तो ऐसे जो है वो आपका तो पहले आपका जो एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था उसको बाद में एक मल्टी मेंबर बॉडी में आपका कन्वर्ट कर दिया गया ठीक है फिर बाद में इनको लगा कि क्यों ना यार इसको हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ही दर्जा दे देते हैं तो सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट से नाइनटीन में इसको क्या किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नाम की बॉडी जो है बना दी गई बट फिर एटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा किया कि इसको थोड़ा अलग कर दिया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग रखा और आर्टिकल थ्री थर्टी एट ए में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो ला दिया गया सबको स्टोरी क्लियर हुई इसकी कि सिंगल मेंबर बॉडी से पहले तो तुम एग्जीक्यूटिव रेजोलूशन से मल्टी मेंबर बॉडी बने और मल्टी मेंबर बॉडी से बाद में तुमको जो है वो अलग अलग कर दिया गया और अब तुम एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के तौर पे काम करते हो एंड नॉट टू फॉरगेट अगर आर्टिकल 338 आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है तो 338 ए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है और 338 बी वन जीरो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसको बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी बना दिया तो पहले यही आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब एज वेल एज बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज देखता था बट बाद में आपका शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया तो शेड्यूल ट्राइब के बंद कर दिए और जब आपका बैकवर्ड क्लास हो गया तो बैकवर्ड क्लास के भी अब इश्यूज देखना बंद कर दिए हैं ठीक है सो दिस इज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ द कमीशन बाकी फंक्शन क्या है वही है कि भाई अगर शेड्यूल कास्ट जो है तो उनके अगर ऊपर में कोई आ, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन दिए वो ठीक से आपके इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे उसका इन्वेस्टिगेट करो मॉनिटर करो तो दिस इज ऑल्सो क्वासि जुडिशियल बॉडी अगर उनके कोई राइट right डिप्राइव हो रहे हैं तो पार्टिसिपेट एंड एडवाइस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम देते रहो प्रोटेक्शन वेलफेयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनके काम करो ठीक है और ये रिपोर्ट ऑफ द कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में डालता है अलॉन्ग एक्शन टेकन रिपोर्ट कि भाई हमने क्या क्या एक्शन ली है इसी के अलावा प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के गवर्नर को भी रिपोर्ट भेजता है कि भाई देख लो तुम लोग और स्टेट का गवर्नर भी अपने स्टेट लेजिस्लेचर में उनकी रिपोर्ट को रखता है ठीक है और पावर का, पावर ऑफ द कमीशन क्या है कि किसी को भी समन कर सकता है कि क्या तुम कर रहे हो एनफोर्स द अटेंडेंस रिक्वायरिंग टू डिस्कवर एनी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिसीव एविडेंस उसके बाद में पब्लिक रिकॉर्ड को आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो एनी मैटर जो आपका प्रेसिडेंट जो बोल सकता है वो समन करो किसी को ये सब इनको पावर दिए हुए हैं एंड दैट इज इट इज सेड इट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी क्योंकि ये सब पावर दिए ना एक जुडिशियर को जुडिशरी को जो पावर होते हैं वही इनके पास में भी है तो इसलिए इसको बॉडी बोलते हैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल द मेजर पॉलिसीज अफेक्टिंग द एस ठीक है नेशनल कमीशन को आपको सॉरी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को आपको बात करना पड़ता है और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अभी भी ध्यान रखने का काम कौन कर रहा है पहले आपके ओबीसी का और एस का ध्यान रखने का काम यही करता था बट अब उनका तो गया तो अभी सिर्फ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अगर कोई इश्यूज है तो वो भी आपके शेड्यूल कास्ट मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो उसका ध्यान रखता है ठीक है नेक्स्ट जो है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है अगेन उसकी स्टोरी सिम सेम है कि 1990 में आपको इसका अलग किया गया और तब से आपकी अलग ही इसकी पहचान बनाई गई तो 1999 में जब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अलग बनी तो इन्होंने फिर फाइनली से अमेंडमेंट से 2003 में इसको अलग कर दिया और अलग कमीशन ही इसके लिए बना दिया ठीक है तो फंक्शन इसके भी वही है सेम सेम टू है जो आपके है सिर्फ एस के जगह पे एस लिख दो ठीक है और इनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनके राइट right प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये बातें हैं बाकी 2005 में प्रेसिडेंट ने और भी कुछ फंक्शन जो इनको दे दिया कि भाई स ओके you know, of of right resources, resources. Okay, जो डिसप्लेस्ड हुए हैं बेचारे उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए क्या कर रहे हो मेजर्स टू भी टेकन फॉर पैसा एक्ट क्या है तो ये सब जो है वो फाइनली काम किसको दिया हुआ है

विटनेस मांगो डॉक्यूमेंट मांगो ये सब इसके पास में पावर है सो दैट वॉज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आई होप ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके क्लियर हुए हैं अब नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपनी को सीखनी है दैट दैट इज इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है आर्टिकल तो 76 जो है वो अटर्नी जनरल के लिए प्रोविजन आपको देता है और अभी के जो अटर्नी जनरल है वो है के के वेणुगोपाल तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है अगेन प्रेसिडेंट करता है किसके रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट का जज तो इसी ऐसे बंदे को आप करते हो क्योंकि ही इज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट को कहीं डिफेंड करना है तो वो करता है और इसलिए उसको पावर भी क्या दिए कि तुम किसी भी किसी भी जगह पे आप जा सकते हो कहीं पे भी आप लोग अटेंडेंस सीख कर सकते हो किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो बिंदास बयानबाजी कर सकते हो ये सब पावर उसको दिए हुए और एक मजे की बात याद रखना इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बार्ड फ्रॉम एनी अदर वर्क क्या वो खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है क्या यस और नो क्या लगता है आपको कैन अटर्नी जनरल डू हिज और हर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस तो आंसर इज यस अपने को लगेगा नहीं तो उसको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो वो अलाउड होती है बिकॉज ही इज पब्लिक सर्वेंट एंड नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेंबर दिस उसको अगर अपना दूसरा कोई काम करना है ही कैन डेफिनेटलीट तो ये वाल उसके कंटेक्स में आपकी आती है इन अदरवर्डिजन ऑफ इंडिया बस और आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का जज क्वालिफाई हो सके वो दर्म ऑफ एजी कोई फिक्स नहीं होता गवर्नमेंट रिजाइन करती है बिचारा वो भी रिजाइन करता है और ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट कि अगर कभी प्रेजिडेंट उसको बोला अभी जा तू घर तो वो भी जाता है ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है तो भाई मेन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना लीगल मैटर्स पे And to perform such other duties, जो आपके लीगल कैरेक्टर के होते हैं एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शन लॉ ठीक है तो ये सब उसके काम है बाकी देखो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जिस कोर्ट में आपको जाना पड़ता है सारे केसेस में ये बिचारा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई भी रेफरेंस वगैरह हो रे बनाना होता है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 143 तो उस समय में भी रिप्रेजेंट करता है एंड अपियर इन एनी हाई कोर्ट जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसर्ड है तो इसका राइट्स क्या है राइट्स है कि लोकसभा राज्यसभा किसी भी प्रोसीडिंग में जा सकता है किसी भी कमिटी के प्रोसीडिंग में जा सकता है ऑब्वियसली सिर्फ उसको वोटिंग की पावर नहीं होती है बट ही कैन यू नो स्पीक और पार्टिसिपेट इन एनी अफेयर ठीक है और उसको इम्यूनिटी वगैरह तो मिली हुई होती है तो बस इतना है कि उसके ऊपर लिमिटेशन क्या है कि नो no डाउट तुम्हारे ऊपर में तुमको काम वाम देने तुमको काम लेने से कोई रोक नहीं रहा है बट आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाला काम नहीं ले सकते हो भाई कोई जो है वो सब समझो पीएल वगैरह फाइल कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो आप उसका लॉयर नहीं बन सकते हो ये दिस इज इजी लॉजिकल ऑल्सो ना ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट यू नो इन विच केस ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपियर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है सो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जस्ट रिमेंबर दिस क्लियर गुड नाउ सेम थिंग जो आपके स्टेट पे आपको मिलेगी ओके जो स्टेट पे आपको अटोर्नी जनरल को जैसा ही आपका जो बंदा नीचे स्टेट पे होता है उसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं सो इज एडवोकेट जनरल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आंसर इज यस सिंपल है

अपने ऑफिस के बाहर में काम नहीं कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ही रिजाइन वेन गवर्नमेंट आस्क हिम बाकी सब सेम है ड्यूटीज एंड फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दो गवर्नर जब मांगे वो सब आपकी एडवाइस दो तो यही सब आपकी चीजें हैं आगे हम लोग स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज वेल एज कैग हम लोग कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फिर हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे स्विच हो जाएंगे ठीक है तो हम लोग एक सात मिनट का बोलूंगा मैं आपको वी आर ऑन अ सेवन मिनट का ब्रेक Okay. Everyone? कैन यू हियर मी एंड कैन यू ऑल्सो सी मी देख पा रहे हो सुन पा रहे हो ठीक है तो स्पीड आप लोग मैनेज कर पा रहे हो ना गुड ठीक है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अब अपने को इसको थोड़ा सा समझ के लेना है तो कुछ नहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अब लिंग लिंग्विस्टिक बोला है यहां पे कहीं पर भी आपको यह नहीं बोला है कि आप लोगों का रिलीजियस है या और कोई माइनॉरिटी यहां पे सिर्फ लिंग्विस्टिक बोला है तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए तुम्हारा एक स्पेशल ऑफिसर लगाते हैं तो आपको याद होगा देखो स्पेशल ऑफिसर अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए दिया हुआ था इवन आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी दिया हुआ था ठीक है तो बट बाद में वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में बना फिर उसके बाद में वो स्प्लिट वगैरह होते रहा और उसके स्प्लिटिंग जो है वो होते रहे तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये वाली प्रोविजन नहीं थी रिमेंबर दिस तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन With respect टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में इसको किया हुआ था सब लोगों ने इस चीज को ठीक से नोट किया है इसलिए आप देखोगे आर्टिकल नंबर 350 बी है बी का मतलब क्या है कि पक्का कुछ तो अमेंडमेंट से ही हमने इसको डाला हुआ है और क्या बोलता है ये कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होना चाहिए उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एंड ही वुड वुड बी बी इट ड्यूटी ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में मिलने चाहिए ठीक है द प्रेजिट शुड ऑल्सो प्लेस ऑल सच रिपोर्ट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बस यही आपकी बात इसमें बोली हुई है इट मस्ट बी नोटेड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्पेसिफाइर क्वालिफिकेशन टेन्योर सैलरी अलाउंस सर्विस कंडीशन कुछ आपका नहीं बोला है कैसे रिमूव करना है कुछ नहीं बोला हुआ है तो सिर्फ इतना ही दिया है कि भाई एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का आपका ऑफिसर होना चाहिए तो अभी अपना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ऑफिसर बनाया हुआ है जिसका हेडक्वार्टर अलाहाबाद में है और उसके अलग अलग आप लोगों के रीजनल uh, ऑफिस भी हैं जहाँ पे डिपुटी कमिश्नर आपके काम करते हैं ठीक है तो बस इतना ही याद रखो 1957 से ये ऑफिसर आपका काम कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के नीचे ये वाला बंदा काम करता है और यही है कि बस आपका देखना है कि अगर कोई ग्रीविया है क्या कोई नॉन इंप्लीमेंटेशन हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनली एग्रीड स्कीम का तो बस उसका वही देखना होता है और उस पर रिपोर्ट जो देते रहता है तो उसके अलावा इसका कुछ लेना देना नहीं है ठीक है और जो आपके टेन पॉइंट प्रोग्राम है ये है वो है बस इंप्लीमेंट करो दैट्स इट लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब अपने को देखनी है वो है कैग और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका नाम है ठीक है कैग जो है अब उसको अपॉइंट क्या करेंगे और कैसे होगा वगैरह वगैरह तो देखो सीधी सी बात है कि पहले तो इसका टर्म जो वो ओरिजिनेट कहां से होता है तो नाम जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हम लोगों ने यूएस से लिया हुआ है तो ये यूएस से सॉरी यूके से हम लोगों ने लिया है बट यूके में आपका जो यूके का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा तो उस फंड पे अगर पैसा निकालना भी है आप लोगों को तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द CAG इसलिए वहां पे उसको कंट्रोलर बोला गया है और उसके बाद तो में निकालने के बाद में तुमने क्या काम किया कैसा किया हिसाब किया सही है हिसाब नहीं है हिसाब उसका ऑडिटिंग भी होता है तो वो ऑडिटिंग जो चेक करता है तो वो भी आपका अगेन कैग ही चेक करता है तो पैसा निकालते समय एज वेल एज पैसा निकालने के बाद भी तुमको इसकी परमिशन लेनी होती है इसलिए यूके में उसको कैग बोलता है मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बट इंडिया में ये एक्चुअली वो misnomer है misnomer मतलब क्या गलत नाम है क्यों क्योंकि अपने यहां कंट्रोल की पावर बिल्कुल भी नहीं दी है सिर्फ ऑडिटिंग की पावर दी हुई है सबको क्लियर कि यूके के कैग में और इंडिया के कैग में क्या फर्क है ओके okay, बाकी आपके जो आर्टिकल्स है आर्टिकल्स uh, है तो वन फोर्टी एट में बोला है कि भाई आपका एक कैग नाम का ऑफिस जो वो होना चाहिए ऑडिटर होना चाहिए जो कि ऑडिटिंग का काम करेगा एंड ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री कंट्रोल मतलब एक्चुअल में कंट्रोल नहीं है बट यस इट इज हिज ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी इवन इसको भी दी हुई है एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी थी दूसरा कैग को दिया हुआ है और डॉक्टर क्या बोला था तो अभी का जो है वो है आपका जीसी मुर्मू तो जीसी सी मुर्मू आपके अभी के कैग है वन ऑफ द बुलवाक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया अदर बीइंग सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी कैग की अपॉइंटमेंट कैसे होगी तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है और उसका कोई आपका अगेन कोई ऐसे है नहीं कि इतना ही होना चाहिए उतना ही होना चाहिए सिंपल है कि भाई कैग होना चाहिए और कैग की ओथ आप लोगे और ओथ कौन सी लेते हो टू अपहोल्ड द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बाकी तो ओथ सब लोग लेते हैं लेकिन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे लेता है इसलिए उसको भी सिक्स ईयर्स और सिक्सटी फाइव ईयर का टेन ईयर जॉब मिला हुआ है ओके ही ही होल्ड्स ऑफिस एंड कैन रिजाइन रिजाइन अगर resign उसको करना है तो कर सकता है और अगर इसको निकालना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकालते हैं वैसे निकालना पड़ेगा तो अब हमने क्या सीखा सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने की प्रोविजन मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे किस किस को निकालते हैं फिर हम लोग आज हमने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे कौन कौन से बॉडीज को निकालते हैं चलो बताओ जरा एक तो आंसर क्या गया दूसरा कौन है वेरी गुड इट इज इलेक्शन कमिश्नर और उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वेरी गुड अभिलाष पाटिल तो ये है और उसका भी ऑलमोस्ट यही सब है छ साल पैंसठ साल और याद रखना कि अगेन ही इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस है क्या इलेक्शन कमिश्नर को आप लोग जो है वो वापस से फर्दर कोई गवर्नमेंट के अंडर में और कोई जॉब वगैरह कर सकता है क्या इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट के अंडर में कोई जॉब कर सकता है क्या अरे हाँ भाई कर सकता है ना वही तो आपको मैंने बताया था अभिलाष इलेक्शन कमिश्नर कर सकता है लेकिन नहीं नहीं कर सकता। clear? कैग नहीं कर सकता सकता सबको क्लियर इंडिपेंडेंस ही इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ एनियर नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस सैलरी चार्ज अपॉन उसके बाद में ज सैलरी नॉर हिज राइट जो है वह आपका कोई भी उसके डिसएडवाटेज पे कर सकते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है तो उसका वो पूरा का पूरा मतलब सब कुछ हैंडल करता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस भी चार्ज ऑन कंसोल्टेटरी फंड ऑफ इंडिया है तो ये इसकी बातें हैं एंड नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट कैग इन पार्लियामेंट ओके नो मिनिस्टर कैन भी कॉल्ड अपॉन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपका ये करता है तो इससे हमने इसको इंडिपेंडेंट रखा है

ऑडिट द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड भी सबका पब्लिक अकाउंट फंड भी भी देखो ही ऑल द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी आप लोगों के अलग अलग सब्सिडरी जो बने हुए हैं उनके सबके ऑडिट एंड रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है अगेन टू सेटिस्फाई दैट रूल्स एंड प्रोसीजर ऑन बिहाफ ऑफ डिजाइन सिक्योर इफेक्टिव चेक असेसमेंट वगैरह आप लोग कर रहे हो ऑल बॉडीज ओके ही ऑडिट्स ऑल बॉडीज ऑथोरिटीज सब्सटैशली फाइनेंस बाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनीज या फिर और कॉर्पोरेशन वगैरह जो होंगी स्टेट गवर्नमेंट का डेप्टिंकिंग एडवांसेज सकाउंट स्टॉक सब का ये ऑडिटिंग करता है आगे आप लोगों का यू नो अकाउंट ऑफ एनी ऑथोरिटी रिक्वेस्टेड बाई प्रेसिडेंट लोकल बॉडीज का कुछ देख लो फिर तो उसके बाद में ही एडवाइजर्स प्रेसिडेंट फॉर प्रिस्क्रिप्शन इन विच अकाउंट नीड टू बी मेनटेन भाई तुम अकाउंट कैसे रखोगे अकाउंटिंग के भी आपके अलग अलग मेथड होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं तो बताएगाचर uh, और इधर ये आपके पार्लियामेंट को सॉरी आपके प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट आपके लोकसभा और राज्यसभा में रखेगा ठीक है अगर आपका कोई भी टैक्स या ड्यूटी जो है वो आप लोगों का प्रोसीड जो है ये फाइनल है नेट प्रोसीड तो आर्टिकल टू प्रोसीड होता है कि हाँ यही आपका, है. वो आपका जो मतलब ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसपे वो यूजली सबमिट करता है जो कि आपकी पैक हो गई या और जो हाउस की जो कमिटीज हैं वो इसको ठीक से स्टडी करती है रोल तो यही है मेजरली कि सब कुछ ऑडिटिंग का काम यही कर रहा है और इसीलिए डॉक्टर बीबा सा, बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं कि भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई गवर्नमेंट में ऑफिस हम लोगों ने बनाया हुआ है तो इट इज ऑफ द कैग ठीक है तो सिर्फ ब्रिटेन में और अपने कैग में फर्क है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है लेकिन अब याद रखना कि कैग जो है वो सारे कॉर्पोरेशन का ऑडिट नहीं करता है कि कुछ कॉर्पोरेशन का ऑडिट वो, वो खुद करता है जैसे कि आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गया एयर इंडिया हो गया कुछ का मतलब अगर ऑडिटर आपको अपॉइंट करना होता है तो कैक की परमिशन लेनी पड़ती है जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वगैरह हो गया और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका टोटली सब्जेक्ट टू द प्राइवेट ऑडिट होता है जहाँ पे कैक ध्यान ही नहीं देता है एस हो गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह हो गया आरबीआई हो गया तो इन लोग पूरा अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाता है तो ये एक आपका और डिफरेंस जो वो है बाकी इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि गवर्नमेंट इशूट की रिपोर्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है Periodicity, मतलब इज नो ज्यादाइन कि आपने इतने इतने टाइम में आपके जो है वो इस पे यू नो डॉक्यूमेंट आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए या कोई कंटेम प्रोसीडिंग वगैरह नहीं है इंडिपेंडेंट जितना चाहिए उतना नहीं है पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट करता है ठीक है और प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वो आपका बहुत ही कम होता है और अगर हुआ तो भी बहुत ज्यादा बेसिकली उसमें गड़बड़ होता है तो ना व्हाट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है कि भाई समझो आप जो है एक लैंड के ओनर हो और ये लैंड में आप लोगों के हर तरफ जो है यहाँ पे कोल है यहाँ कोल है यहाँ कोल है यहाँ कोल है यहाँ कोल, है, कोल, है, कोल है। आपको अलग अलग जगह पे कोल की खजाने जो मिली हुई है तो अगर तुम खुद इसके प्रोप्राइटर होते मतलब अगर तुम खुद इस बिजनेस के ओनर अगर होते तो तुम्हारे पास में अगर दो मेथड होता एक होता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और दूसरा अगर तुम्हारे पास में है कि भाई आप ऑक्शन करवाओ तो तुम कौन सा इसमें से मेथड यूज करते बताओ जरा अगर तुम बिजनेस ओनर हो तो तुम कौन सा एवरी वन ऑप्शन बराबर है तो जो तुम खुद के बिजनेस के लिए जो तुम करोगे ना वही तुमने गवर्नमेंट के लिए भी करना चाहिए तो कोल्स स्कैम मतलब क्या है कोल्स स्कैम में वही हुआ गवर्नमेंट की जो लैंड है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपने कोल माइन जो वो अलोकेट करके दे दी जबकि एक्चुअल में ऑक्शन करना चाहिए था तो इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट कि आप कभी कभी पॉलिसीज में भी डेवेलप करते हो तो ये प्रोप्राइटरी ऑडिट कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है सबको प्रोप्राइटरी ऑडिट क्लियर कि आप विजडम यूज कर विजडम चेक करते हो उनका कि आपने सही विजडम लगाया है या नहीं लगाया है क्स्ट थिंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अब क्या है आपकी तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज ए सेड कि कुछ आपके एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनती है और कुछ आपके स्टेच्यूट से बनती है तो so उसको हम स्टैचूटरी बॉडी बोलेंगे और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी हुई बॉडी बोलेंगे तो so सबसे पहली है एनएचआरसी एंड गुड थिंग अबाउट दिस इज वी हैव ऑलरेडी डू वी हैलरेडी डू दिस एन एच आर सी तो एन एच आर सी इज ऑब्वियसली

सेंट्रल जो है वो आपका इलेक्शन का इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट के लिए भी आपने एस जो है वो अलग से बनाया हुआ है ये आपका इस्टेब्लिशमेंट है तो इस्टैब्लिशमेंट आपका 1993 में यहां से प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से हुआ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसके यही है कि भाई ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन जो उसको स्ट्रेंदन करो अगर किसी के ऊपर में बुरा व्यवहार वगैरह हुआ हुए है हुए हैं तो उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो और आगे काम बढ़ाओ शन वगैरह अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार रिविजन अपना हो जाएगा तो पहले देखो यहाँ पे आपका पांच साल हुआ करता था लेकिन अब उसको रोक दिया है और सत्तर साल कर दिया है याद है आपको ये सब प्रोविजन मैंने आपको सिखाया है एंड पहले आपके वो एलिजिबल नहीं हुआ करते थे अपॉइंटमेंट मतलब एक बार ही सिर्फ अपॉइंट के लिए एलिजिबल हो सकते थे लेकिन अब वो प्रोविजन आपकी हटा दिया और नाउ दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन पहले आपका सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस हुआ करता था यस yes, देखो ये सब मैंने आपको सिखाया था पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस हुआ करता था अब आपका रिटायर्ड रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर कोई भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का का सुप्रीम जज भी हो सकता है ऐसे ही आपके एसएचआरसी में भी चेंजेस किए गए थे ठीक है फिर पहले आपके सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और वुमन इन सब को ही सिर्फ आपने मेंबरशिप दी थी लेकिन अब तुमने बैकवर्ड क्लासेस उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ जो आपका कमिश्नर जो है जो चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है या फिर चीफ कमीशन पर्सन विद डिसेबिलिटी है इन सब को भी अब आपने हुई है ये ऑलरेडी तो वो तो अपॉइंट कौन करता है तो मैंने आपको याद दिला दू वापस से छह मेंबर की कमेटी कि एक प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लीडर ऑफ अपन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर याद रखो ये छह लोग जो है वो मिलकर आपके अपॉइंट करते हैं सबको क्लियर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा थ्री ईयर सेवेंटी वापस एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए इधर में ही ठीक है और ये अब भी के आपके ये सारे के सारे जो है मेंबर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाकी प्रेसिडेंट जो है वो चेयरपर्सन या किसी भी मेंबर को निकाल सकता है आपको याद होगा वही सब कंडीशन जेन एडज इंगेजेस यू नो इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट अनफिट टू कंटिन्यू या फिर अनसाउंड माइंड का है या फिर कन्विंस्ड या अगर उसको कहीं पे पर वगैरह कर दिया है सेंटेंस वगैरह और दूसरा है मिसबिहेवियर प्रूवड मिसबिहेवियर एंड प्रूव मिसबिहेवियर मतलब क्या है कि अगेन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में वगैरह अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो वाली बात है तो प्रूव मिसबिहेवियर पे भी निकाल सकते हैं बट इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवा के लेनी पड़ेगी बाकी सैलरीज अलावेंसेस वगैरह जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है ठीक है और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो क्या करता है तो देखो मोटो सुटो केस देखना है तो देख लो जेल में जाना है जेल में इंक्वायरी वगैरह करो खास करके जेल का इंस्पेक्शन करने का काम है और भी स्टडी वगैरह करते रहो ह्यूमन राइट right के जितने भी लॉज है अपने कंट्री में कोई हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या एनजीओज को आप लोग स्ट्रेंदन करो लोगों में आप लोग जो है वो अवेयरनेस वगैरह फैलाओ ह्यूमन राइट्स की तो यही सब इनके बस मेजरली काम है ठीक है। है, का headquarters जो वो दिल्ली में एंड अगर इसको पे पे बनाना है, तो तो ये अगर human right violation अगर कहीं इन्वेस्टिगेट तो कर सकता है एंड रिमाइंड यू दिस जुडिशियल बॉडी ठीक है सिर्फ एक लिमिटेशन क्या आता है ना कि ये अगर ऑडिबल एम आई विजिबल ऑल स्मूथ बिकॉज मुझे थोड़ा एक नोटिफिकेशन आया था कि इंटरनेट इज अनस्टेबल इसलिए मैं बोला भाई एक बार पूछ लेते हैं सिर्फ इसका एक मेजर लिमिटेशन क्या है ना कि अगर एक साल अगर हो जाए और उसके एक्सपायरी के बाद में अगर तुम वो केस लेके जाओ तो वो सुनने वाले नहीं है ठीक है तो ये एक मेजर लिमिटेशन है द कमीशन इज नॉट एम्पावर टू इंक्वायर इन टू द मैटर आफ्टर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वन फ्रॉम द डेट ऑफ विच

इसको कभी कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि इट टूथलेस टाइगर कि टाइगर जैसा है बट दांत ही नहीं दिए तुमको इनफैक्ट जो इंडिया एक, एक, एक जो थे उन्होंने टूथलेस टाइगर राइटिंग में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आ सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो टूथलेस टाइगर you know, है करके यस yes, क्योंकि

नोटिफिकेशन वगैरह देख के इन्होंने बना दिया है और इसका मेजर काम है भाई स्टेट लिस्ट टू और स्टेट लिस्ट थ्री में देखना क्योंकि लिस्ट टू और लिस्ट टू में थ्री में देखना लिस्ट वन में तो आपका मेनली कौन देखता है लिस्ट वन एंड लिस्ट थ्री में आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता है और इधर में ये देखता है इसमें भी अभी अमेंडमेंट हुए थे ठीक है और आप लोगों का ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है बाकी दिल्ली के लिए आप लोगों का एक नेशनल मतलब ह्यूमन राइट कमीशन जो वो आपका अलग से स्टेट का बनाया हुआ है ठीक है कॉम्पोजिशन अगेन वही सब है आपका बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एंड टू मेंबर्स तो इसमें आपके दो ही मेंबर्स हैं मेनली ओके और उसमें से भी एक रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट का कोई जज वगैरह हो सकता है और आप लोगों का बाकी जो है क्या था? कोई डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफिकेशन रखने वाला और जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह हो तो ऐसे तो यहाँ पे तीन ही मेंबर्स है देखो और इसको अपॉइंट करते समय में चीफ मिनिस्टर स्पीकर उसके बाद होम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां के आपके चेयरमैन एज वेल एज लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी आपके आते हैं ओके और सिटिंग जज एंड हाई कोर्ट और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनका भी यही है सत्तर साल का है और तीन साल का इसको भी पीरियड मिला हुआ है तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है रिमूवल जो है तो रिमूवल इसका चेयरपर्सन का या मेंबर का अगर निकालना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है सबको ये वाली चीज क्लियर हुई जस्ट लाइक like आपका जस्ट लाइक like आप लोगों का एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इनका भी वही हाल है कि अगर निकालना है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रेजिडेंट ही निकाल सकता है ठीक है बाकी वही सब कंडीशन ये देखो एडजस्ट इन मिस बिहेवियर वगैरह वगैरह फंक्शन अगेन स्टेट लेवल पे सारे वही काम करोगे तुम जो तुम यूनियन लेवल पे कर रहे हो ठीक है तो ये सब आप लोगों का हो गया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एज वेल एज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि कौन से एक्ट के अंडर में बने हुए हैं कमॉन गाइस चैट बॉक्स में बताओ 1993 तो साल हुआ ना यस yes. एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 अगली जो बॉडी है वो है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो इसकी भी कहानी मस्त है सीवीसी जो है तो एक सतनाम नाम की कमेटी थी सतनाम नाम की कमेटी ने 1962-64 में बोला कि यार करप्शन बहुत बढ़ रहा है और ये प्रिवेंशन करप्शन का करने के लिए अपने को एक बॉडी बनानी पड़ेगी तो पहले एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से विजिलेंस रखने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो आपका बनाया गया तो ओरिजिनली नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बॉडी नॉर बट 2003 में आपका एक सीवीसी नाम का एक्ट लाया गया और उसके अंडर में तुमने इसको क्या बना दिया इसको तुमने सीवीसी बना दिया मतलब स्टेच्यूटरी बॉडी बना दिया सबको क्लियर इसकी कहानी कि पहले आपकी स्टैचु बॉडी नहीं थी बाद में बनाया गया इसको और 2004 में मेनली अगर आपके करप्शन रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हैं तो आप लोग किस बॉडी के सामने जाओगे या एंटी करप्शन अपना जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके भी प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए तुम किस बॉडी के पास जाओगे आंसर इज सीवीसी ठीक है और विसल ब्लोअर को भी प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो आपका सीवीसी ही करता है अब विसल ब्लोअर कौन होता है विसल ब्लोअर वो बंदा होता है जो किसी करप्शन को एक्सपोज करता है

होम मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है तो ये तीनों मेंबर मिलके इनको अपॉइंट करते हैं चार साल का टर्म मिलता है सिक्सटी फाइव की एज तक का मिलता है और इसमें देखो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट तो सीवीसी बिकॉज इंपॉर्टेंट है ना अदरवाइज तुम बायस रहोगे तो इसलिए नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट तो अब तक हमने देखा है आपके यूपीएससी के मेंबर्स को एज वेल एज कैग को नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट है और इनको जो है अगला जो है वो है सीवीसी सीवीसी को भी नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिलती है ठीक है रिमूवल वही सब है आपका जो एडजस्ट ये वो ये, वो ये और इसमें प्रेसिडेंट अपने खुद से कर सकता है निकाल सकता है और अगर आपको निकालना है मिसबिहेवियर पे तो मिसबिहेवियर के लिए तुमको क्या करना होगा सुप्रीम कोर्ट में जाके परमिशन लेनी होगी और वॉट इज मिसहेवियर वही कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो ठीक है सैलरी और अलावेंसेस कितने मिलेंगे यूपीएससी तो के चेयरमैन जितने मिलेंगे सबको क्लियर सबको क्लियर सीवीसी की सैलरी कितनी है सीवीसी की सैलरी यूपीएससी के चेयरमैन जितनी है और जो बाकी के आपके विजिलेंस कमिश्नर है उनकी मेंबर जितनी सैलरी होगी ठीक है बाकी इनके सेक्रेटेरिएट है टेक्निकल एग्जामिनेशन विंग है इनका एक कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है ना ही में इन लोग पूछेंगे तो इसको सीधा आप लोग कैंसिल कर देना फंक्शन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में विजिलेंस रखना ठीक है उसके बाद में सारे ग्रुप ए के हो चाहे ये लेवल के ऑफिसर्स हो इन सब के अंडर में इन लोग ध्यान देते हैं इतना ही नहीं इनफैक्ट अगर सीबीआई किसी केस को हैंडल कर रही है तो उसके ऊपर में भी सुपरटेंडेंस मतलब ऊपर से ऑब्जर्व करते रहना ठीक है और डायरेक्शन भी देता है सीबीआई को कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है प्रोग्रेस क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन का अगेन आपका कोई एप्लीकेशन वगैरह है तो वो सब ये करता है ठीक है तो और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस वगैरह देते रहता है टाइम टू टाइम खास करके डिसिप्लिनरी मैटर्स में अगर किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में तुमको कोई डिसिप्लिनरी मैटर अगर शुरू करना है तो उसमें भी आपका सीबीसी जो है मेनली हैंडल करता है ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट सीबीसी इन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर विजिलेंस तो विजिलेंस में जो आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के जो वे ध्यान रखने के लिए आपके ये इसको जवाबदारी दी हुई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के भी कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो आपका सीवीसी देखता है ठीक है तो ये आप लोग ध्यान रखिए बाकी इस पे हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं ठीक है और आपके लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ने थोड़े से आपके चेंजेस किए हुए थे तो वो क्या क्या थे वो हम लोग आगे देखेंगे उससे समझ जाएंगे अगर ये आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो बिकॉज आई डोंट थिंक इतना यूपीएससी ने डिटेल में जाना चाहिए ठीक है जुडिजिक्शन किन किन पे है तो सब लोगों पे ए बी सी डी सारे लोग जो है ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर हो नाबार्ड के हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हो स्केल फाइव के हो ठीक है और ऑफिसर ड्राइंग सैलरी आठ हजार सात सौ से ज्यादा अगर आप लोग ले रहे हो तो सब लोगों के ऊपर में इनका विजिलेंस होता है सब लोगों के ऊपर में इनका जुरिस्ट्रिक्शन है ठीक है सो दिस इज अबाउट द सीवीसी और सीवीसी जो है अपनी रिपोर्ट प्रेजिडेंट को देती है और प्रेजिडेंट आगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भेजता है विजिलेंस यूनिट हर एक मिनिस्ट्रीज में आपके बनाए गए हैं और उधर में आपका चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है तो हर एक डिपार्टमेंट में ध्यान रखते हो ना कि कोई करप्शन कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए तुमको चाहिए तो ये आपका विजिलेंस ऑफिसर जो है वहां पे काम करता है देन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट तो ये आपका 2014 का है तो ये आपका मैकेनिज्म है कि भाई अगर किसी ने मतलब विसल ब्लोअर कौन होता है कि भाई ऐसा कोई बंदा जो करप्शन को एक्सपोज कर रहा है तो ऐसे विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट भी तो चाहिए तो टू का एक्ट है जो इनको प्रोटेक्ट करने की आइडेंटिटी वगैरह प्रोटेक्ट करने की बात करता है बट प्रॉब्लम क्या है यूपीएससी ने इस इसमें मेन्स में क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर विजिलेंस ये जो विसल ब्लोअर एक्ट जो है इससे कोई विसल ब्लोअर बचेगा ही नहीं क्यों क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि अगर तुमने ठीक है कोई झूठी अगर या तुमने जो कंप्लेंट की हुई है वो अगर झूठी कंप्लेंट निकली तो तुमको दो साल तक जेल में भी भेज सकते हैं हम लोग और तीस हजार की आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है भाई कोई क्यों विसल ब्लो करेगा भाई बाद में कोई बोल देगा ये तो झूठी खबर है मेरे अगेंस्ट में तो ये विसल ब्लोअर एक्ट के अगेंस्ट में प्रॉब्लम है ठीक है तो दैट वॉज अबाउट सीवीसी तो सीवीसी भी सबको क्लियर ओके अब इसी का एक्सटेंशन सीबीआई तो अब सीबीआई आजकल न्यूज में भी चलते रहता है आपका तो so, सीबीआई क्या है पहले तो नाम में ध्यान में रखो इन्वेस्टिगेशन का काम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या था विजिलेंस का काम था ऊपर से देखते रहो विजिलेंट रहो इसका काम है इन्वेस्टिगेशन का ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने का काम जो है तुम्हारा करेगा जस्ट लाइक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये आपका करप्शन मतलब आपके जो टेररिज्म वगैरह या नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं उसमें आपका मेनली आता है लेकिन आपका सी जो है वो आपके मतलब जो डे टू डे लाइफ के या फिर और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मसले जो होते हैं तो उस पर ये थोड़ा सा देखता है जो नेशनली इंपॉर्टेंट कुछ दूसरे मजिले होते हैं तो उस पर ये देखता। तो देखता। इसकी कब हुई? तो ठीक तो है? और आपको बता दू सी बी आई के लिए कोई स्टेच्यूटरी बॉडी है ही नहीं एटलीस्ट सी बी सी उसकी और सीबीआई की जर्नी दोनों की साथ में ही शुरू हुई लेकिन सी बी सी को क्या हुआ सीबीसी को सी एक्ट के थ्रू उसको एटलीस्ट एक्ट बना दिया गया ठीक है लेकिन ये अभी तक स्टेचुटरी बॉडी है क्या इज इट अचुटरी बॉडी इज नो तो आपका स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट जो है तो उसके थ्रू तो दिल्ली स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है तो उसके थ्रू आप पावर जो है वो लेते हो तो पावर आपको मिल जाते हैं बट यू हैव तो इनकी जो भी पावर है So it derives its power from delhi special police establishment act 1946 but it is not a statutory body everybody type in the chat box that cbi is not a statutory body और ये भी सतनाम कमेटी ने रिकमेंड किया था और स्पेशल पुलिस पोलिसमेंट तो एक एस नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ करती थी उसको भी बाद में जो 1941 में बनी थी उसको बाद में सी के साथ में मर्ज कर दिया गया था तो ये कुछ केसेस आपके जो पहले देखते थे वो यही हो गए अभी सिर्फ याद रखना डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ केसेस जो है वो आपके अलग है कि मुंबई टेरर अटैक के बाद में बना है टू में क्योंकि ये अगर आपका ऐसा कोई टेररिज्म हो रहा है या अगर इतना बहुत बड़ा अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है उसमें आपका एनआईए जाता है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो यहाँ पे आपका नहीं होता है बाकी ठीक है इनके जो है वो अलग अलग विंग्स हैं लीगल विंग एडमिनिस्ट्रेशन विंग क्राइम रिकॉर्ड ये वो ये वो बट अपने को ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपोजिशन तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर है वो भी आपका डायरेक्टर होता है लेकिन इसके डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं ओके तो ये आपके अपॉइंट करने के लिए जो मेम्बर्स आपके होते हैं तो वो देखो इसमें प्राइम मिनिस्टर है लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय है सबको फरक क्लियर हुआ सीबीआई का हम सीबीसी वगैरह देखे ठीक है तो उन सब में या फिर हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह देखा उन सब में आपका होम मिनिस्टर था लेकिन यहां पे कौन आ रहा है यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहा है या फिर

ये आपका लोकपाल एक्ट ने सब चेंजेस किए थे ठीक है बाकी देखो पांच हजार का स्टाफ है दो सौ पचास लॉ ऑफिसर्स हैं और विद इन एक्टमेंट ऑफ सी बी एक्ट मतलब इसके ऊपर सुपरिनटेंडेंस जो है वो आपका सी uh, बी का थोड़ा बहुत होता ही है तो इतना बस याद रखना ठीक है और सी के डायरेक्टर को भी तो बेचारा वही होता है ना अनाथ है सी जो अनाथ है कभी डी से एक्ट मतलब दिल्ली स्पेशल पावर एक्ट जो है स्पेशल पोलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वहां से कभी पावर डिराइव करता है और कभी जो है वो आपके सीवीसी से पावर डिराइव करता है तो ऐसा ही आपके सीबीआई का फिक्स टू ईयर का टेन ईयर जो है वो आपका मतलब सीवीसी एक्ट ने बोला हुआ है तो ऐसे सब ऊपर नीचे इनका करके रखा हुआ है ठीक है और अभी दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट टू में भी थोड़े से अमेंडमेंट हुए थे एंड मेड द चेंज ऑफ कम्पोजिशन ऑफ कमिटी रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट की अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आपका नहीं हो तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओपोजिशन की होगी उसको आप लोग ले सकते हो फंक्शन वही है इन्वेस्टिगेट 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 कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज और इन्वेस्टिगेट जो भी तुमको दिया है उन सब का इन्वेस्टिगेशन करते रहो इनकम टैक्स फॉरेन एक्सचेंज और कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको करना पड़ता है ठीक है सी बी आई एक्ट ऑल्सो एज ए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल तो इंटरपोल क्या है सारे जितने भी वर्ल्ड के ऐसे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन लोग एक दूसरे को वहां पर रिपोर्ट करते रहते हैं ये सब आपका वही देखता है ठीक है बाकी ये सब इसके कुछ प्रोविजन है ठीक है कि क्या होता है सी बी आई इज रिक्वायर्ड टू ऑपटेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको ठीक है तो पहले आपको प्रायर परमिशन जो है वो लेनी पड़ती थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली चीज़ जो बोल दी है कि चाहे कोई भी ऑफिसर हो आपका ओके चाहे सीनियर ऑफिशियल हो तो पहले ऐसा होता था कि एकदम आपके जॉइंट सेक्रेटरी या नबाओ के ऑफिसर पर अगर आपको कोई केस वगैरह रजिस्टर करना होता था या इंक्वायरी करनी होती थी तो उस पर तुमको परमिशन लेनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की लेकिन अब यू नो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी से ऐसी कोई परमिशन नहीं रिक्वायर्ड होगी बस बात खत्म इतना बोल के अभी उन्होंने छोड़ दिया तो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हो अबाव हो कोई भी हो सबको इन लोग पनिश कर सकते हैं लेकिन आप लोग एक चीज़ जो है वो हमेशा देखोगे कि सीबीआई और स्टेट पुलिस में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह होते रहती है इनफैक्ट ये सुशांत सिंह केस सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था इन सब में भी हम लोग देखेंगे ही कि सीबीआई जो है वो बेसिकली डायरेक्टली उसका फर्स्ट जोशन नहीं होता है उसके लिए आपको कंसेंट वगैरह देना पड़ता है ठीक है तो सीबीआई एकेडमी वगैरह है बट मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेंट जो वो आपको लेना पड़ता है तो महाराष्ट्र गवर्नर ने बोला था देखो अभी गवर्नमेंट ने कि अब हम लोग सीबीआई को कंसेंट हटा रहे हैं वेस्ट बंगाल ने बीच में बोला था तो ये सब तो है ही और सुप्रीम कोर्ट तो उसको पैरेट ही बोलती है केज्ड पैरेट है कि जब तुम यहाँ थे तो उधर की बात करते थे और वहां थे तुम उधर की बात करते थे तो वो केज्ड पैरेट क्यों कि जब तुम मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के अंडर में थे तो तुम मोदी गवर्नमेंट मोदी के पीछे पड़े हुए थे और अब मोदी गवर्नमेंट में हो तो तुम मनमोहन के पीछे पड़े हुए तो सीबीआई को इन लोग पैरिटी बोलते हैं और इसलिए थोड़ा सा इसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे बट ये जनरल कंसेंट जो है वो मैं आपको एक करंट अफेयर्स में आपको सिखाऊंगा ठीक है अभी हम लोग सीधा अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं बट सिर्फ एक बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन जब तुमको करना होता है तो तुमको कंसेंट जो है वो देना पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है वो केस टू केस आपका कंसेंट दे सकती है फिर जनरल कंसेंट की हाँ भाई जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना आप आ जाओ क्योंकि आप सीबीआई हो इम्पोर्टेंट एजेंसी हो तो कभी कभी ये जनरल कंसेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई पॉलिटिक्स खेला जा रहा है तो उस समय में उन लोग हटा देते हैं तो ये जनरल कंसेंट का इशू हम लोग बाद में देखेंगे इसी में आपका एक और जो बॉडी है वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त तो ये कौन है तो सीवीसी आपका किन पे ध्यान देगा सीवीसी आपका ऑफिसर्स पे ध्यान दे रहा है बट प्राइम मिनिस्टर पे या फिर आप लोगों के मिनिस्टर पे इन सब पे ध्यान देने के लिए है क्या कोई बॉडी आंसर इज नो ठीक है तो हो क्या रहा है गवर्नमेंट जो है अपनी पावर एक्सपांड पे एक्सपांड करते जा रही है ये भी मेरे हाथ में वो भी मेरे हाथ में सब पावर जो है तुम एक्सपांड कर रहे हो और उसमें फिर करप्शन जो है वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं तो इसका इसका ऑफिस सबसे पहले ओमबडसमन नाम से कहां पे आया था तो आपके स्कैंडोनेवियन कंट्रीज में जो है वहां से आपका शुरू हुआ था ठीक तो है तो इसको ओम्बर्डमैन बोलते हैं तो में अब आपका सोशो के लिए, की और गवर्नमेंट की पावर जो है बढ़ते जा रही है तो ये जो इन लोग क्या कर सकते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते, सकते हैं तो ये सिटीजन के ग्रेवियांस जो है वो रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया ओमबर्डमन सिस्टम जो है वो इफ एम नॉट रॉन्ग स्वीडन में सबसे पहले शुरू हुआ तो स्वीडन में ये बनाया गया ऐसा ही आपके फ्रांस में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम बनाया और प्रो, आ, प्रोक्यूरेटर सिस्टम जो है वो आपका रशिया वगैरह में बनाया गया कि हम लोग जो है ऐसे अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या फिर लोग अगर पावर अब्यूज करेंगे तो अपने को कोई ना कोई ओमर्जमन लगेगा तो इंडिया में भी इस चीज पर बातें हुई पहले कि हाँ भाई हमको भी ऐसा कुछ तो चाहिए फाइनली मल्टीपल कमीशन ने आगे आपका रिकमेंड किया खास करके ए वगैरह इन लोगों ने बोला कि हमको लोकपाल और लोकायुक्त चाहिए बट लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट ही नहीं किया गया कितना ही टाइम हो गया फिर अन्ना हजारे को आंदोलन करना पड़ा जिसमें अरविंद केजरीवाल किरण बेदी प्रशांत भूषण शांति भूषण ये सब लोग जो आंदोलन किए और फाइनली जाके 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो वो लेके आए जिसमें बोला कि लोकपाल जो है वो आप चेयरपर्सन होगा तो लोकपाल क्या है लोकपाल जो है बेसिकली आप लोगों का यूनियन uh, लेवल पे होगा और लोकायुक्त जो है वो आपके स्टेट लेवल पे होंगे ठीक है तो लोकपाल जो है वो आपका चेयरपर्सन होगा और आठ मेंबर होंगे जिसमें से पचास परसेंट जो जुडिशियल होंगे पांच साल का टर्म होगा सत्तर साल तक की एज तक रह सकता है और फिफ्टी परसेंट ऑफ द मेंबर जो है एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी से आएंगे और इनको अपॉइंट कौन करेगा तो लोकपाल को अपॉइंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन चीफ जस्टिस ठीक है तो ये सब लोग जो है और एक एमिनेंट जूरिस्ट तो एक दो तीन और चार ये चार लोग जो है वो बेसिकली सबसे पहले तो एक एमिनेंट जूरिस्ट को ढूंढेंगे और फिर पांचों भी मिलके लोकपाल और उसके मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे सबको क्लियर लोकपाल को कैसे अपॉइंट किया जाएगा कब ये लोकपाल जो है वो सबके ऊपर में ध्यान देता है आपका प्राइम मिनिस्टर हो चाहे या फिर आप लोगों के कोई भी मिनिस्टर हो ये आपके ग्रुप ए बी सी डी के ऑफिसर्स हो इन सब के ऊपर में तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बताऊं तो सीबीआई जो सबसे नीचे बिचारा सी उसके ऊपर ध्यान देता है और लोकपाल सबका बाप ठीक है तो लोकपाल जो है इसके ऊपर भी ध्यान देगा इसके ऊपर में भी ध्यान देगा तो ऐसे आप लोगों का एक स्ट्रक्चर जो है वो टू के बाद में बना हुआ है अभी का लोकपाल अगर हम देखें तो प्रेजेंट जो है वो है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और ये आपके कुछ मेंबर्स हैं ठीक है जिसमें से फिफ्टी परसेंट जो है वो आपको बोला है कि एटलीस्ट वुमन वगैरह हो तो ये आप लोगों के कुछ जुडिशियल जुडिशियल तो, सब पे ध्यान देने का काम है सीबीआई पर भी सुपर वगैरह का ध्यान है सीवीसी पर भी ध्यान देने का काम है सीवीसी में भी कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट ये वो सब पे ध्यान देने का काम जो इन लोग करेंगे इतना ही नहीं इवन एनजीओ पर भी ध्यान देते हैं खास करके जिनको अच्छा खासा फंडिंग जो है गवर्नमेंट से मिल रहा है वो लोग और एफ के अंडर में भी अगर उनको कोई पैसा वगैरह आ रहा है तो उनके ऊपर में भी ध्यान देने का काम करेगा और स्टेट में आप लोगों का ऐसा ही जो बनता है वो है आपका लोकायुक्त ठीक है तो लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन अब आप लोगों के मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फिर भी इसमें आपको दिखेगा ही ओके जुडिशरी को अभी तक इस लोकपाल के अंडर में नहीं डाला हुआ है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक लोकायुक्त एक्ट ही नहीं लाया और इनफैक्ट यहां पे भी लोकपाल जो है बिल आपका 2013 में पास हुआ तो बोले था, एक साल के अंदर में लोकपाल को लेके आएंगे लेकिन ऑलमोस्ट 2019 में लोकपाल को अपॉइंट किया गया वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तू अपॉइंट कर रहा है या मैं करूं गवर्नमेंट को जब बोला तो तो तब जाके आपका ये सब बना तो ये सब लिमिटेशन कुछ सजेशन आप लोग दे सकते हो मेन्स में प्रिलिम्स में अभी जरूरी नहीं है लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो लोकायुक्त अगेन आप लोगों का वैसे तो 1971 से ही कुछ स्टेट ने जैसे महाराष्ट्र है या फिर उड़ीसा ने या फिर आप लोगों के अलग अलग स्टेट ने पहले ही लेके रखे हुए थे लोकायुक्त लेकिन एकदम पूरा यूनिफॉर्म उसका सब कुछ नहीं हुआ करता था बट फाइनली अब ये भी यूनिफॉर्म हो गया है पांच साल पैंसठ साल और क्वालिफिकेशन वगैरह आपके बनाए हैं तो क्वालिफिकेशन सबके अलग, अलग 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 स्टेट में अलग अलग होता है अपॉइंटमेंट भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन एंड नॉट टू फॉरगेट आप लोगों का मतलब चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए ना लीडर ऑफ अपिशन है और चीफ मिनिस्टर भी होगा कहीं तो तो गवर्नर इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंसल्ट ए चीफ जस्टिस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ठीक है तो ये थोड़े से आपके वेरिएशन है अलग अलग बाकी इन लोग भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सुओ मोटो इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं और चीफ मिनिस्टर वीफ मिनिस्टर सब उनके अंडर में आते हैं ठीक है तो दिस इज अबाउट द लोक लोकायुक्त एक्ट ठीक है तो लोकपाल एंड लोकायुक्त सीवीसी सीबीआई सबको क्लियर हाँ भाई इतनी पढ़ाई की है कभी कितने पेजेस पढ़ लिए आपने मेरा मुंह दुख रहा है आपका दिमाग कैसे नहीं दुख रहा है अभी तक हो क्या जिंदा हो क्या सच बताओ चलो गुड 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 वेरी गुड अब अपने को आगे जो है वो ये एन देखना है तो एन तो वैसे 2019 में पूछा हुआ था दिस इज ऑल्सो स्टैचुररी बॉडी बट एन की खास बात क्या है कि आपका डायरेक्टर जनरल उसको हेड करता है और इसका ज्यादा लोड नहीं है मतलब मतलब इस पर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ये भी लक्ष्मीकांत ने इसलिए डाला क्योंकि 2019 में इस पर क्वेश्चन जो पूछ लिया था इसलिए एन डाला हुआ है तो एनआईए जो है वो आपका बेसिकली Uh, 2008 का जब अपना मुंबई टेरर अटैक हुआ तो उस टाइम से ये वाला जो है वो आपकी बॉडी जो बनाई हुई है वही है कि यू नो आप कैसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं उसको प्रोसिक्यूट वगैरह करो और प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सीक असिस्टेंस फ्रॉम यू नो अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्पीडी एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन एक्ट करो जुडिसडिक्शन जब जब आपकी सॉवरेंटी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी हार्म होने वाली है तब तक उसकी ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाती है और एन के एक्ट में अभी कुछ अमेंडमेंट किए गए थे तो वो अमेंडमेंट आपके यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में पूछ लिए हैं तो अब बहुत कम चांसेस है कि इसमें कुछ पूछेंगे बट एन आपका 2008 से बना है इन्वेस्टिगेट प्रोजिक्यूट ऑफेंसेस खास करके नेशनल सॉवरेंटी के वगैरह जो होते हैं एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फैसिलिटी या अगर आप लोग अगर करेंसी uh, भी अगर फेक अगर बना रहे हो तो उसमें एन जो है वो मेनली आता है और इसका यही है कि भाई टेरर को कॉम्बैट करो मेजरली ठीक है तो ये आपके कुछ अभी अमेंडमेंट हुए थे टू में जो कि यूपीएससी पूछ चुकी है अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी यही देखता है साइबर सब्सटेंसेस इन सब पे होता है और आपके इनको बहुत सारी एकदम पावर वगैरह दी अभी इन सब एक्ट के थ्रू आपके पावर वगैरह दी हुई है तो वो अभी आपके लिए ज्यादा काम की नहीं है इस एनडीए में जरूरी है तो एन में देखो इस बार भी मेन्स में भी पूछा हुआ था और प्रलिम्स में भी वापस से पूछने के चांसेस है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है तो डिजास्टर अपना कभी भी हो सकता है तो डिजास्टर से अपने को बचना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो उसके लिए क्या करें हम लोग तो पहले तो नो no डाउट हम लोग जो है वो क्या करते हैं भाई हम लोग प्रिपरेशन करके रखते हैं कि भाई कभी डिजास्टर हुआ तो अपने को हैंडल करता आना चाहिए और डिजास्टर होने के बाद में अपने को रिकवरी और फास्ट बिल्डिंग भी अपना होना चाहिए तब क्या है कि डिजास्टर को पहले तो पता करो कि भाई कहाँ क्या, क्या क्या डिजास्टर हो सकता है तो डिजास्टर मैपिंग करना ये वो करना तो उसके लिए यूनियन लेवल पे जो आपने बनाया है उसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अगर तालुक लेवल पे भी बनानी है तो वो भी आप लोग बना सकते हो ठीक है तो ये ऐसे आपकी अथॉरिटी है जो कि मैपिंग वैपिंग करेगी फिर उसके बाद में आप लोगों का नेशनल डिजास्टर फंड भी होता है वैसे ही स्टेट डिजास्टर फंड भी होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है कि भाई इसमें से पैसे निकालने पैसे डालने हैं और तीसरा जो होता है वो होता है आपका नेशनल डिजास्टर फोर्स नेशनल डिजाइ एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स तो ये भी आपका होता है एनडीआरएफ और एनडीआरएफ का काम क्या है ये बेसिकली आपका फोर्स होगा जो कि अलग से सिर्फ डिजास्टर में ही इन लोगों ने मास्टरी की हुई है कि डिजास्टर को कैसे डील करें ठीक है तो सबको ये तीनों अथॉरिटीज क्लियर हुई कि एक सिर्फ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने कितनी सारी चीजें आपकी बना दी है एवरीवन तो ये सब आपका प्रिपेयर्डनेस रखना है डिजास्टर के लिए मिटिगेशन रिकवरी रिस्पांस और ये इसमें से कोई भी डिजास्टर आपका हो सकता है तो इसलिए फिर आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयर पर्सन होता है इस एनडीएमए का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वैसे ही चीफ मिनिस्टर आपका एसडीएमए का चीफ आपका यूनो चेयरपर्सन होगा और इन लोग जो है वो मेनली ये सब डिजास्टर को वगैरह हैंडल करते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट अपना 2005 में बनाया हुआ था ठीक है और बाकी आप लोगों के मेंबर्स भी उसमें होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव वही है सबका कि भाई कल्चर ऑफ प्रिवेंशन प्रिपेरनेस रेजिलियंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप लोग काम करो ये सब जो है वो इसका होगा रिकन्स्ट्रक्शन करो कंटेम्प्रेरी और कहीं पर कुछ अपने को अच्छी रिसर्च मिल रही तो रिसर्च करो ये सब आप लोगों के एनडीएमए के मेजर मेजर काम है कि पूरा प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट का बनाओ और ये सब देखते रहो ठीक है और एनडीआरएफ होता है आपका मैंने आपको बताया नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स रिस्पॉन्स फोर्स सॉरी रिजर्व फोर्स नहीं तो उसके ऊपर में भी वगैरह ये रखने का काम करते हैं और ये एनडीआरएफ देखो ऐसे काम करता है ऐसे ही आपका एस डी में भी होता है जिसमें आपके कुछ मेंबर्स हो वगैरह होते हैं और चीफ मिनिस्टर एक ऑफिशियल चेयरपर्सन है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है उसमें आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो आपका एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होगा so that is about नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी authority i think सी cic or sic वगैरह हमने नहीं देखे बट आई एम होपिंग की आपने पॉलिटी के करंट अफेयर्स में वो कवर किए हैं तो इसलिए अपने को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अब हम लोग नीति आयोग पर आते हैं तो पहले आपका प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो प्लानिंग कमीशन जो वो टॉप बॉटम वाला अप्रोच यूज करता था लेकिन अब अपने को इंडिपेंडेंस के बाद में नई चीज चाहिए नया थिंक टैंक चाहिए तो इसलिए हम लोगों ने बॉटम अप अप्रोच के लिए नीति आयोग जो वो हम लोग लेके आए तो प्लानिंग कमीशन आपका जो है ओके तो प्लानिंग कमीशन आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था नीति आयोग भी आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बना हुआ है और इसके मेंबर्स अगर हम देखें तो नीति आयोग का चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कुछ फुल टाइम मेंबर है कुछ पार्ट टाइम मेंबर है और कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं एक गवर्निंग काउंसिल भी होता है जिसमें आपके सारे चीफ मिनिस्टर जो है इसके मेंबर्स होते हैं ठीक है और रीजनल uh, काउंसिल बनता है स्पेशल इन्वाइटी वगैरह का आपका और बनते रहता है ये हम लोग एक काम करेंगे करंट अफेयर्स में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे बट अभी के लिए याद रखो ये देखो कि uh, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वाइस चेयरपर्सन राजीव डॉक्टर राजीव कुमार है ये आपके फुल टाइम मेंबर्स है फिर फिर कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है स्पेशल इनवाइटी है एंड चेयरपर्सन ऑब्वियसली आपका प्राइम मिनिस्टर होगा ठीक है इसके कुछ स्पेशलाइज्ड विंग है रिसर्च विंग है कंसल्टेंसी विंग है टीम इंडिया विंग है ऑब्जेक्टिव है कि भाई थिंक टैंक हो तो ये सब आइडियाज वाइडिया जो टाइम टू टाइम देते रहना ठीक है तो ये इन लोग काम करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेजरली प्रमोट करना ठीक है फिर प्लानिंग कमीशन भी आपका हुआ करता था जो कि प्लान बनाता था और वो प्लान को अप्रूव करने का काम कौन करता था दिस वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो ऐसा बोल रहे थे 2016 में इसको हम एबॉलिश कर देंगे बट इसको अब तक एबॉलिश नहीं किया हुआ है ठीक है है अभी तक बॉडी उसकी मीटिंग नहीं हुई है मीटिंग 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 आपकी आपकी जो जो हुई 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 थी थी लास्ट वही वही 2012 में में है है उसके बाद में अभी तक इसकी कोई नई नहीं प्लानिंग कमीशन के प्लान को अप्रूव करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर और आपके प्राइम मिनिस्टर और कुछ यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो आपके आते थे ये देखो ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और ये सब जो है वो आपके आते थे और बस एक ही काम था इसका प्लानिंग कमीशन एंड इट इज इट वॉज ऑल्सो नॉन ऑल्सोटरी बॉडी तो आई हो गई है तो हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कवर कर लिए हैं अगले लेक्चर में अगले अपने पास में जो दो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग ये फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज ये सब हम लोग एकदम डिटेल में देख लेंगे और सेंटर स्टेट रिलेशन खास करके वो अपने काम की चीजें हैं तो वो हम लोग देखेंगे ठीक है ओके okay गाइस तो हैव अ ग्रेट इवनिंग बाय बाय